मैक एड्रेस। नेटवर्किंग में मैक एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके क्वेश्चन और आंसर हम देख रहे हैं। पहला सवाल है, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। क्योंकि मैक एड्रेस के बारे में बात चल रही है तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है पहले देख लीजिए। अगर आप ऑप्शन जानते हैं या सही उत्तर जानते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका उत्तर यह है, मैक एड्रेस आपके जो एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें ये नंबर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर द्वारा जज्ब करा दिया जाता है, एम्बेड करा दिया जाता है, यानी कि लिख दिया जाता है। इसका उत्तर समझ लीजिए कि एक क्योंकि हम आईपी के बारे में भी यहां हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका एक घर है और यहां पर आपका राउटर लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है यहां पे, और आपके घर में आप हैं और आपके भाई हैं। तो जब आप यहां से जब कहीं से भी पैकेट आएगा तो यहां तक आते आते वो ये तो जान जाएगा कि भैया ये इस आईपी तक मैं आ गया हूं। ये इसका आईपी एड्रेस का मतलब होता है, वो लोकेशन बताएगा। लेकिन अब इस पैकेट को आपके पास जाना है, आपके ब्रदर के पास जाना है, ये बताएगा आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर कहें कि मैक एड्रेस। ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC, इसलिए मैक एड्रेस कहते हैं इसको। इसका उत्तर है मैक एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, मैक स्टैंड्स फॉर। अभी शायद मैंने इसका उत्तर दिया तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उत्तर इसका है डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अब बेसिकली ये आया कहां से है, देखिए हमारे पास अलग अलग लेयर्स है। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं क्योंकि इसके अलग अलग नाम है, फिर मैं आपको लेयर्स के बारे में बताता हूं। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको मैक को हम, या कहें मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एड्रेस होता है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। एक बार नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बन गया, जिस भी कंपनी ने बनाया, मान लीजिए सिस्को ने बनाया, तो जो एड्रेस उसने इसमें डाल दिया वो हमेशा परमानेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। और क्योंकि ये कंपनी ही इसमें डाल देती है या बर्न कर देती है, इसीलिए इसको बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। तो सारी बात यहां की है कि मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और यहां पर अब हम बात करते हैं लेयर्स की। अगर हम ISO OSI लेयर की बात करें तो APST NDP, यानी कि एप्लीकेशन से शुरू करें तो एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, नेटवर्क हो गया, और फिर डेटा लिंक और फिजिकल। तो अब आप आइए जरा डेटा लिंक पे। मैं डेटा लिंक मैंने बोला ना, जो डेटा लिंक है उसमें यहां पर मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस, या कहें कि आपके इस लेवल पे मैक एड्रेस काम करता है। ऊपर जाएंगे नेटवर्क एड्रेस पे तो वहां पर आपका आईपी काम करेगा, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक TCP/IP स्टैक में है ना, इस पूरे स्टैक में है और वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली आपका हार्डवेयर एड्रेस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसलेट आईपी एड्रेसेस इनटू मैक एड्रेस। आपके ऑप्शंस यहां पर है, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और बर्न इन एड्रेस। तो कौन चीज ट्रांसलेट करती है एक आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस? उत्तर इसका ये आता है, देखिए पहले मैं आपको समझा दूं कि बात क्या हो रही है। उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे या ARP देखते ही कि उत्तर इसका बी है। लेकिन ये ARP क्यों है इसको देखिए और इसका कारण क्या है। देखिए एक कंप्यूटर में, अगर एक प्रॉपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट देखें तो उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसके साथ आप बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है, ये 48 बिट का एड्रेस होता है और इसमें जो कोलन देख रहे हैं ये कोलन भी हो सकता है, ये आपका डॉट भी हो सकता है, ये हाइफन भी हो सकता है। 48 मतलब होता है 6 8 48, तो ये 6 1 2 3 4 5 6 आपके अलग अलग ऑक्टेट है, हर एक 8 बिट का है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्साडेसिमल में है, हेक्स में है। ऑलराइट, तो होता यह है कि मान लीजिए मैं नेटवर्क में, मेरा एक, मैं इस नेटवर्क में हूं और मैं दूसरे कंप्यूटर पे पैकेट भेजना चाहता हूं या कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। मुझे अपना आईपी पता है, मुझे दूसरे का भी आईपी पता है। अच्छा, मेरा क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरे पास है या फिर मैं नेटवर्किंग में आना चाहता हूं तो मेरे पास अपना मैक एड्रेस तो होगा, लेकिन मेरे पास इस सिस्टम का मैक एड्रेस नहीं है। अब बगैर आईपी और मैक के कॉम्बिनेशन के आप पैकेट नहीं भेज पाएंगे, तो आपको पहले इस जिसको भेजना है, मतलब डेस्टिनेशन के मैक का एड्रेस आपको पता होना चाहिए।
तो उसके लिए एआरपी का इस्तेमाल होता है, एआरपी पैकेट शुरू होता है। एआरपी पैकेट जो होता है वो क्या होता है कि बेसिकली एआरपी का डिस्कवरी पैकेट, जैसे यहां पर एक सिस्टम है, यहां एक सिस्टम है, तो एआरपी का डिस्कवरी पैकेट सब जगह पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। लेकिन उस पैकेट में या उसका जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अगर आप देखेंगे आईपी का, तो आईपी एड्रेस इसका लिखा है तो केवल यही एक्सेप्ट करेगा, बाकी उसे छोड़ देंगे। इसलिए एआरपी का जो डिस्कवरी पैकेट होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। अब इससे पता कर लिया कि मेरे आईपी के बारे में ढूंढ रहा है साहब ये, मैं अपना मैक एड्रेस भेज दूं, तो मैक एड्रेस सीधा फिर इनके पास चला जाता है ताकि कम्युनिकेशन शुरू हो सके, क्योंकि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ही जा रहा है, तो इसलिए ये यूनिकास्ट होता है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि आपके मैक एड्रेस को आईपी के हिसाब से, आप आईपी को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना, या फिर कहें ट्रांसलेट करना, या फिर आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को पता करना। ये कन्वर्जन, ये ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ट्रांसलेशन, ये केवल इसका पता करने का तरीका है। तो मैक एड्रेस और आईपी दोनों जरूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। अच्छा, एक आरएआरपी भी होता है, एक आरएआरपी भी होता है, इसका उल्टा कर दीजिए आप कि मैक एड्रेस पता, आईपी चाहिए, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क एड्रेसिंग एड्रेस इज रेफर्ड विथ। तो नेटवर्क एड्रेसिंग एड्रेस आपका मैक एड्रेस ही है, और वो आपके जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा या नेटवर्किंग के जो भी आपके कंप्यूटर में चीज लगी होगी उसका एक हार्ड वायर्ड एड्रेस होगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, इट कैन नॉट बी चेंज। तो इसके अलग अलग नाम है, फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं आप इसको, बर्न इन एड्रेस कह सकते हैं आप इसको, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कह सकते हैं। ये एड्रेस जो है वो फिजिकल लेयर के जस्ट ऊपर है, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर पे जाए, बस इसके ऊपर की जो लेयर है वहां पर मैक काम करता है। जैसे मैंने बताया, नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी काम करता है, और आईपी और मैक का इस्तेमाल करके दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है, पैकेट डिलीवरिंग पॉसिबल है। अगला सवाल है, मैक एड्रेसेस आर वेरी यूजफुल इन डायग्नोजिंग नेटवर्क इश्यूज। अब देखें, उत्तर इसका ट्रू होने वाला है। कारण क्या है? कारण यह है कि मैक एड्रेस आपका फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है जो कि 48 बिट का होता है, 48 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, और ये जो होता है ये या तो कोलन से, मतलब ऐसे छह इसमें ऑक्टेट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोलन से अलग होते हैं, या फिर हाइफन से होते हैं, या डॉट से, पीरियड से होते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी अभी करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैक एड्रेस का मेन काम यह है कि आईपी एड्रेस आपको लोकेशन बताएगा कि आपका कंप्यूटर किस लोकेशन में है, लेकिन मैक एड्रेस उस कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो लोकेशन पता करना आईपी का काम, यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसी भी सिस्टम को या होस्ट को, किसका काम? आपके मैक एड्रेस का काम। तो होता यह है कि अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सिस्टम में चलाइए पिंग और बोले 127.0.0.1, इससे क्या होगा, ये पैकेट जाएगा आप ही के कंप्यूटर में, आप ही कंप्यूटर में ये पैकेट शुरू होगा एप्लीकेशन लेयर से, और फिर आपके एनआईसी कार्ड से होते 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 ये आप ही के एप्लीकेशन लेयर पे दोबारा वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये बाहर नहीं जाएगा कहीं भी, जिससे आप अपना ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेक कर सकते हो, क्योंकि नंबर फिक्स है ना जी। इसीलिए जो मैक एड्रेसेस हैं वो चेंज नहीं होते, वो परिवर्तित नहीं होते। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये चीज है डायनेमिकली दी जा सकती है डीएचसीपी के थ्रू या बूटस्ट्रैप सर्वर के थ्रू, या फिर आप इसको फिजिकली भी एंटर कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस को, लेकिन मैक एड्रेसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेसेस जो होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होते, जबकि आईपी डायनेमिक हो सकती है, चेंज हो सकती है, मैक एड्रेसेस कभी चेंज नहीं होंगे एक बार आपका इसकी मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की हो गई तो, नेटवर्किंग कार्ड की हो गई तो। ऑन वायरलेस नेटवर्क्स डैश फिल्टरिंग इज द सिक्योरिटी मेजर। अब इसका उत्तर आप मैक एड्रेस कह सकते हैं। देखिए, इसको समझिएगा पहले, हो क्या रहा है मामला। होता यह है कि आप बेसिकली, अगर आप एआरपी की बात करें तो करते क्या है, आपको आईपी अपना पता है, आपको मैक अपना पता है, आपको किसी का आईपी पता है लेकिन मैक नहीं पता, उसको पता करने के लिए आप एआरपी की शुरुआत करते हैं। एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, जो इसका काम यही है कि वो पैकेट जाएगा मैक लेके चला आएगा, मतलब उस आईपी का मैक लेके चलाएगा। आईपी एड्रेस जो होता है वो फिक्स भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है, लेकिन मैक हमेशा फिक्स ही होगा। अब जहां मैंने कहा मैक फिक्स होगा, उसमें क्या है कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लीजिए आप यूएस के हैं और यहां चाइना का है, चाइना के कोई कंप्यूटर है और ये यूएस का है। अब इनको बाय चांस पता है कि भाई यहां से हमें पैकेट नहीं लेने हैं, हमको इस सिस्टम से पैकेट जो आ रहे हैं, या फिर कोई जूबियस एक्टिविटी लग रही है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब यहां से हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने जो स्कीम होगी उसमें इसका मैक एड्रेस डालेंगे और बोलेंगे कि इसका मैक नहीं चाहिए हमें,
इस तरीके से मान लीजिए यहां पर आपका कोई और कांगो है, छोटे सी कंट्री ले लेता हूं, उसका एक कंप्यूटर है, उसका मैग वहां से इस तरीके के पैकेट आ रहे हैं जो हमें रोकने हैं। तो इन दोनों को अगर रोकना है तो किस बेसिस पे करेंगे? मैक एड्रेस, क्योंकि इनका आईपी तो चेंज हो सकता है, हो सकता है प्रॉक्सी सर्वर यूज कर ले। प्रॉक्सी से क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि मैं यहां का नहीं हूं, तभी तो आप बहुत सारी वेबसाइट जो आपकी कंट्री में नहीं है वो, और बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उसको आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू या फिर एक काम कह सकते हैं वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे तरीके अलग अलग बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको पता है कि इसका फिक्स्ड मैक ये है तो फिर आप इसको रोक सकते हैं। तो ये तरीका है कि वायरलेस नेटवर्क में जो मैक फिल्टरिंग है, इसका मतलब यही है कि कोई हैकर है, कोई इंट्रूडर है, कोई गलत आदमी है, कोई सही आदमी है, आपको उसको रोकना है। तो क्या करेंगे आप, मैक एड्रेस फिल्टरिंग में आप वो सारे के सारे मैक डाल देंगे जिससे आपको पैकेट एक्सेप्ट नहीं करना है, स्पेसिफिक मैक एड्रेसेस डाल सकते हैं। इसीलिए वायरलेस नेटवर्क में अगर आपको मैक फिल्टरिंग एक सिक्योरिटी मेजर है जो मैक के थ्रू की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेसेस आर यूज्ड एज, तो ये देखिए इसमें बहुत सारे उत्तर है, लेकिन उत्तर तो सीधा यही है कि भाई नेटवर्क एड्रेस की तरह यूज होता है ना। देखिए नेटवर्क एड्रेस, पहली चीज ये है कि चाहे आप जितनी भी IEEE 802 नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें, चाहे इथरनेट हो, वाईफाई हो, सब जगह आप जो है मैक एड्रेस को एज ए नेटवर्क एड्रेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका कारण यह है कि मैक आईपी, देखिएगा आप, ये इंटरनेट एड्रेस मतलब ये आईपी हो गया, इसका ये एआरपी, अगर आप अपने कंप्यूटर में एआरपी ऐसे और हाइफन ए करेंगे तो आपको ये सारी चीज दिख जाएगी। यानी आप यहां पर आईपी देख रहे हैं और यहां पर मैक एड्रेसेस देख रहे हैं। तो मैक एड्रेसेस हम यूज एज ए नेटवर्क एड्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बात वही बार बार आ रही है कि भाई ये फिक्स्ड है, इसको ये चेंज नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कंप्यूटर के बारे में बात करें, चाहे उसमें वाईफाई लगा हो, चाहे इथरनेट हो, तो कोई भी ऐसा है उसमें, अगर कोई भी नेटवर्किंग वाली का डिवाइस है आपके कंप्यूटर में, या फिर कहेंगे चिप है या फिर कार्ड है, उस कार्ड को तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईपी तो मैं कल चेंज कर दूं, आईपी तो डीएचसीपी से चेंज हो जाएगा, ओके। तो मैक एड्रेसेस को हम नेटवर्क एड्रेसेस की तरह यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो ये स्टैंडर्ड्स है बेसिकली, ये मैं कहूंगा ये स्टैंडर्ड्स तो है ही है, लेकिन IEEE स्टैंड्स फॉर है क्वेश्चन, ठीक है। इसको इस तरीके समझिए कि ये स्टैंड्स फॉर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से तो बिल्कुल सही है जी, इसका उत्तर है, आप बिल्कुल ट्रू कर लीजिए। लेकिन अब ये मैक के संदर्भ में क्यों आया, ये हमको समझना है। मैक के संदर्भ में इसलिए आया क्योंकि ये एक मैक का एड्रेस है, मैक एड्रेस है। इसमें जो ये जो एड्रेस है ये कौन देता है, ये गवर्न कौन करता है, ये करता है IEEE की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कमिटी। तो इसके शुरुआत में जो ये पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 6 6 6 24 जो बिट है, ये बाकी के ये यहां से यहां तक बता रहा हूं क्योंकि 48 बिट का है टोटल, 48 बिट का है यहां से यहां तक टोटल, तो 24 यहां हो गए, 24 यहां हो गए। तो जो शुरुआत के 24 बिट होते हैं, चाहे वो सिस्को हो, गूगल हो, एचपी हो, हुआई हो, और कोई भी बेल्किन जो भी कंपनियां नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाती हैं, उनकी शुरुआती जो तीन है, जो मैंने 24 बिट बताया ना, ये वो फिक्स होते हैं। और वो फिक्स क्या है, OUI, यानी कि ये फिक्स नंबर किसने दिए है, IEEE ने दिए है। उसके बाद जो बाकी तीन है वो तो खैर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये दे सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो क्या देता है, लेकिन पहले के तीन फिक्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको बोल दिया जाता है, उनको IEEE बता देती है कि देखिए साहब ये आपके ये शुरुआत के तीन जो है वो ये होने चाहिए। तो इससे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को और पूरे नेटवर्किंग फ्रेटर्निटी को पता चल जाता है कि जो कार्ड है जिसका मैक एड्रेस हम जानना चाह रहे हैं वो सिस्को ने बनाया, गूगल ने बनाया, एचपी ने बनाया, राइट। तो अब ये मैक एड्रेसेस की लिखने की या उसको बनाने की एक तकनीक है, एक नेमिंग नंबरिंग सिस्टम है जिसको IEEE गवर्न करती है, इसीलिए ये IEEE का क्वेश्चन यहां पर लाया गया है। द ओरिजिनल IEEE 802 मैक एड्रेसेस कम्स फ्रॉम, देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि कभी कोई उठा सो के और उसने कहा मैक एड्रेसेस 48 बिट के होने चाहिए, उस वो डॉट या कॉलन या फिर पीरियड से सेपरेटेड होने चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। जब सी लैंग्वेज आई तो आप सबने कहा कि यार यही लैंग्वेज सबसे पहले शुरुआत हुई है, लेकिन उससे पहले ए भी आई थी, बी भी आई थी, है ना। तो हर चीज की शुरुआत बहुत छोटी चीज, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट से होती है, फिर वो बड़ी चीज बन जाती है और फिर वो पूरी दुनिया यूज करने लगती है। मोबाइल भी एक दिन में नहीं आए थे, जो आप सेलफोन आप लेके घूमते हैं वो आज नहीं आए थे, छोटी 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 उसमें डेवलपमेंट हुई, फिर वो इस प्रारूप में आया कि आज वो सबके हाथों में है, वो एक मैंडेटरी आइटम बन गया है हमारे हाथों में या हमारे जेब में।
तो ओरिजिनल IEEE 802 जो मैक एड्रेसेस आए थे वो कहां से, वो कम्स फ्रॉम कहां से आए थे? वो आए थे आपके, इसका पहले मैं थोड़ा सा प्रीफेस तैयार कर दूं, ये आए थे जेरोक्स, आंसर तो वैसे इसका इथरनेट एड्रेस है ये वाला। देखिए जो जेरोक्स का इथरनेट एड्रेसिंग सिस्टम है जो आप यहां पर भी देख रहे हैं, ये भी मैंने बताने की कोशिश की है, ये जेरोक्स का है, जेरोक्स नेमिंग सिस्टम वगैरह है ये। तो जो ओरिजिनल IEEE का मैक एड्रेसेस या लिया गया था या बनाया गया था वो जेरोक्स इथरनेट एड्रेसिंग सिस्टम से आया था, वो भी 48 बिट एड्रेस था, है ना, और उसमें दो 242 से लेकर ये नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, इतने पॉसिबल मैक एड्रेसेस थे। अब ये सवाल आपको इसलिए बताया गया है कि उत्पत्ति कहां से हुई है जो IEEE 802 मैक एड्रेसेस या आपके इथरनेट एड्रेसेस खासतौर पर जेरोक्स इथरनेट एड्रेसिंग सिस्टम से निकल के आए। चलिए साहब, ये बात हुई, सवाल और जवाब हमने लिए मैक एड्रेसेस के, बहुत शुक्रिया।